कि हमारी विधानसभा में शुद्धता आ रही है वो पेड़ लगने लगा है और गाड़ी गाड़ी भिजवाए फोटो पड़ी है। वन विभाग का सहयोग कुछ मिला? वन विभाग का कोई सहयोग नहीं, स्वयं लोग आए, स्वयं लोग आए, कोई भी मशीन क्यों नहीं लगी कहीं लगी। हरे पेड़ काट दे महाराज की विधानसभा में सब टोटल कट रहा है सारा पेड़, क्योंकि वहाँ हाईवे पास हुआ है। सलेमपुर ले लीजिए, महाराजपुर ले लीजिए और उसके आगे रोडों में कई जगह पेड़ लगवाए हैं लोग ने, अपनी प्लांट में लगवाए हैं। कहा भैया कहाँ पड़ा होगा, आप गए होंगे, चारों तरफ पेड़ लगवाए और जब भी जाते हैं क्या किसी सस्ते हमने खुद आपको खरीद के दिया चाहिए। हमने कहा हमने आप करिए हमें दिखेगा सही रिजल्ट है तो आप हमें खेत कोई जल्दी हम लोग में सारी सुविधाएं यहाँ पर दो वो बड़े विकास मंत्री क्या कर रहे हैं। हमारी यही पूछना है कि आपने पेड़ लगाए कहाँ पे लगाए, कहाँ लगाए, कितने पेड़ लगाए, आप उनका ब्यौरा दीजिए किसी कागज में। मोदी जी की होर्डिंग लग गई, मोदी जी की होर्डिंग लग गई, कितने लाख पेड़ हमने महाराष्ट्र विधानसभा। ये कानपुर शिवसेना मंडल की बैठक हुई है 25 अक्टूबर को। वन विभाग के डेफो को हमने ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि कानपुर में चल रही आवाज़ आ रहा मशीनें हरे पेड़ की कटान को तत्काल बंद कर दिया जाए। 15 दिन गुजर जाने के बाद वन विभाग का ये आलम है कि मात्र 4 आरा मशीनें हिदायत दे के बंद करवाई मात्र, जबकि इनको मालूम है कि अवैध आरा मशीन की स्थापना है तो कानून कहता है कि उस आरा मशीन को जब्त करें और आरा मशीन मालिक के नाम FIR करें। ऐसा कुछ भी प्रक्रिया नहीं की गई है। इन्हीं बातों को लेकर बैठक हुई है और मैं वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करूँगा। आप देख रहे हैं कानपुर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया जा रहा है और वन विभाग पौधारोपण के नाम पे करोड़ों का घोटाला सब सामने आ रहे हैं हमारे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया है कि महीना के अंत में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे, इसके बाद आंदोलन होगा और कानपुर मंडल की टीम स्वतः आरा मशीनों को बंद कराने कार्य करेगी।